नमस्कार गाइस, फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ फिर से उनके रिक्वेस्ट पर, जिन्होंने कमेंट करा था कि भाई जो पोस्टमैन में पास हुए हैं उनके लिए कोई टाइपिंग का सिलेबस और वीडियो बनाकर डालो। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आपको मैंने दोनों कवर किया था, जो PA में पास किए हैं और जो पोस्ट मैंने पास किए। फिर भी अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम का सवाल है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आपको फिर से बना के दे दी जाए ताकि आप उस पर क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवि, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आपको करना क्या है कि कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और वहां से आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन कर लेने के बाद में यहां से आपको करना क्या है, यहां पर टाइप करना है आपको कि www.cept.gov.in/exam.html। ये लिख करके जैसे आप सर्च करेंगे, यहां पर देख रहे होंगे आपको टेस्ट है ना, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है ना, एप्लीकेशन PA डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपका जो पेज खुलता है वहाँ पर ना केवल PA SA के लिए है बल्कि जो पोस्टमैन में पास किए हैं मॉड्यूल उनके लिए भी है। तो आप शायद उस वीडियो में ढंग से आपने देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने वहाँ पर दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करा था और दोनों का दोनों मैंने क्या किया था, ओपन करके भी दिखाया था। लेकिन फिर भी चलिए, आपका डाउट है तो मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही ये ओपन होता है हमारा तो हमारा एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। जैसे ही क्लिक करें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट एप्लीकेशन फॉर PA और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट एप्लीकेशन फॉर पोस्टमैन, आपको दोनों का लिंक यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आप जिस भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं और जिसकी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी है उसकी आपको एप्लीकेशन यहां पर डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर इसे ओपन करना होगा। चलिए मैं यहां से क्या करता हूं कि एप्लीकेशन को ओपन, मैंने इसे देखिए यहां पर अनजिप करके रखा है DEST पोस्टमैन ट्रेनिंग और ये DEST ट्रेनिंग फॉर PA SA के लिए। चलिए पोस्टमैन वाला डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ से देख लीजिए ये पोस्ट एप्लीकेशन वाला है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर बिल्कुल ही सेम टू सेम जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था वैसे ही यहाँ भी है सेम। ओपन हो करेंगे आप, यहाँ से आपको अपना रोल नंबर, यहाँ से आपको अपना नेम और यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। बस फर्क इतना है कि PA SA वाले में 600 स्ट्रोक टाइप करना है लेकिन यहाँ पर पोस्टमैन को 450 की स्ट्रोक ही टाइप करना है। बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो पिछली वीडियो के थे सेम इस वीडियो के भी हैं। आप जाकर के अगर नहीं देखे हैं तो पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे और जिस जो कुछ भी मैंने उसमें बोला है आप उसे पूरा सुनिए क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, वैसा स्किप करके देख लेते हैं फिर कमेंट करते हैं भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको वहाँ पर पूरी वीडियो और पूरी बात को सुनना होगा कि मैंने बताया क्या, क्योंकि भाई ये एग्ज़ाम का सवाल है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आप ये तो देख लोगे कि हमारा एप्लीकेशन कैसा है और तैयारी कैसे करना है, लेकिन उसके बीच में मैंने जो कुछ बताया था इंस्ट्रक्शन और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने बताया था वो आप नहीं देख पाओगे। तो प्लीज़ आप उसे देखो और सुनो कि मैंने बताया क्या था। सेम मैंने सारा टर्म्स एंड कंडीशन उस वीडियो में बता दिया, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप वो वाला वीडियो जा करके देख ले, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर चलिए मैं कोई भी रोल नंबर, यहाँ पर मैं कोई भी डमी रोल नंबर इंटर कर लेता हूँ, मान ले शायद 1234। उसके बाद यहाँ से कोई भी नेम इंटर कर लेता हूँ फॉर पोस्टमैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, SC ST OBC जनरल जो आपको सेलेक्ट करना होगा, यानी जो आपकी कैटेगरी होगी वहाँ पर ये फीड करके यहाँ से नीचे देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे नीचे जो हमारा है, यहाँ पर हमारा है सर्टिफाइड दैट, इसको सेलेक्ट करके टिक कर देंगे यानी कि चेक कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट पेज पर क्लिक करेंगे, यानी कि स्टार्ट टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे
हमारा देखिए ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। और एज प्रीवियस वीडियो आप आराम से यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कौन से की काम करेंगे नहीं काम करेंगे आप हमारा वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने PSA वाला बनाया था, कैसे प्रैक्टिस करना है वो वाला आप वीडियो देखेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल छोटी सी बात मैं इस वीडियो में बता दूं कि यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। जैसे मैंने लिखा दिल्ली, मैंने दिल्ली टाइप करा, आई फर्स्ट ऑफ यस लिखा। अगर आप, मैं चाहूँगा कि दिल्ली को मैं मिटा दूँ तो यहाँ पर बैक स्पेस आपके काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक लेटर या एक वर्ड डिलीट करना हो तो सिंपली आप एरो की से क्या करेंगे, मूव करेंगे कर्सर को, और जहाँ भी रखना है जिससे भी डिलीट करना है उसके पहले कर्सर को ले जाएंगे। जैसे कि सिंपली यहाँ पर आया और कीबोर्ड से आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपका पार्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड डिलीट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि जब हमारा जहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, मान ली यहाँ पर, और यहाँ फुल स्टॉप लिखा है, तो फुल स्टॉप लिख करके जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, पहले एक स्पेस प्रेस करना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट सेंटेंस टाइप करने के लिए शुरू करना है। और जहाँ पर कॉमा लगा है, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा है, जहाँ कोटेशन लगा है, वो सब आपको काफ़ी आसानी से टाइप करना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे टाइप करना होगा। यहाँ पर आप टाइप करने के बाद जब ये पूरा टाइप कर लेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप नेक्स्ट सेंटेंस है, जो कि ये जब यहाँ तक आप टाइप कर लेंगे पूरा तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट वो निकलेगा सेंटेंस यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, फिर से आप इसे टाइप करेंगे। फाइनली जब आप इसे टाइप कर लेंगे तो आपको फिर से लास्ट में, अगर आपका टाइम बचा है तो, ठीक है, अगर आपका टाइम बचा हुआ है तो आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप पूरे के पूरे सेंटेंस को जितना भी आपने टाइप करा है वो आपको यहाँ पर मिलाने का समय मिल जाएगा और वहाँ पर भी आप सुधार सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सुधारने के चक्कर में ना रहें, आप जब टाइप कर रहे हो तभी आप आराम से धीरे धीरे और सही टाइप करें, क्योंकि जब इतना ही सेंटेंस टाइप करने में गलत हो रहा है तो क्या पता कि आपको पूरा सेंटेंस टाइप कर लेने के बाद मिलाने में सहूलियत होगी। हो सकता है कि आप जल्दीबाजी के चक्कर में मिला ही नहीं पाया और गलती एरर का एरर रह जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब टाइप करें तब क्या करें, आप सही सही टाइप करें, एरर के चक्कर में ना रहे कि मुझे बाद में सुधार लूंगा। इसलिए उसी टाइम आप इम्प्रूव करके ही आगे बढ़ें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है और उसमें अपीयर होना है और कैसे कैसे आपको टाइपिंग करने हैं और कौन कौन से शर्त और कंडीशन होंगे वो आप पिछली वीडियो में जाके देख ले, मैंने वहाँ ऑलरेडी बता दिया है। तो चलते हैं, और बस इस वीडियो में ज़्यादा क्या बताऊँ, बाकी सब तो मैंने डील कर ही दिया है। आप हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लोगों के बीच शेयर करें। ये आपके पास आ गया है तो उन GDS भाइयों को भी शेयर कर दे जो ये वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो तो उसे सजेस्ट कर दे, उन्हें बता दे कि किसी न किसी तरीका से वो भी वो क्या करे, इसका प्रैक्टिस कर ले, कहीं साइबर कैफे में बैठ के या किसी दोस्त के पास जाके, कहीं भी किसी तरीका से, ताकि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि लोग यार एग्ज़ाम पास करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और यहाँ तक आने के बाद अगर सिलेक्शन ना हो तो काफ़ी दुख होता है। इसलिए कम से कम मानवता के नाते लोगों के बीच इसे शेयर ज़रूर करें और उसे बताएं कि इस तरह का आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं। तो आई होप फिर से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बिल्कुल करें, और एग्ज़ाम आने के बाद देने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट करें कि आपको सेम इसी प्रकार का वहाँ टाइपिंग लिया गया या अलग लिया गया, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।